फिर मेरे को आप लोग गाइस होपफुली आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। और या हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ द सिस्टर्स की कंट्री। और ये आज का प्लान रक्षाबंधन बांधेंगे। और लाइक मेरी दो सिस्टर्स हैं, एक सिलीगुड़ी में जो आ नहीं पाएंगे उनको हम वीडियो कॉल करेंगे, और एक सिस्टर जो अभी यहीं पर है पर थोड़ी बिजी है आज रक्षाबंधन की वजह से, तो उनको नहीं दिखा सकते। एंड वी विल बी लाइक डूइंग द ऑक्सीजन ऑफ रक्षाबंधन। एंड आप लोगों ने 100 में से 99.9% तो पता ही होगा कि रक्षाबंधन कैसे मनाया जाता है, उनको आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। बट लाइक फॉर अ रीज़न, एक बहाने के लिए दिखाई देंगे आप लोगों को। और स्टेटिंग गई तब सीधा कपड़े चेंज करके राखी बांधते हुए मिलते हैं, ठीक है गाइस? सो या स्टे ट्यून्ड। राखी लाए तपाईले हुन्छ, बेलुका फोन गर्नु न ल। न भरे गर्छु। हुन्छ भाइले मुनि आउँछ। हुन्छ। सो गाइस, वीडियो तो यही पे एंड करने का कुछ इरादा था, पर लाइक ऐसा ही रक्षाबंधन था आज, तो कुछ काम वगैरह, कुछ सेलिब्रेशन, कुछ मेमोरी बनाने के लिए फ़ोटो क्लिक्स की वजह से कुछ टाइम ही नहीं मिला वीडियो बनाने का। और कुछ दोस्त लोग को मिलने के लिए आए थे, तो वो उनके साथ मिलते हुए कुछ टाइम का पता ही नहीं चला। और यही है कि आज एंड टाइम अपडेट इज 6 PM इन द इवनिंग। सो गाइज, इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। आज रक्षाबंधन है, बहनों का दिन, बहन भाई सबका दिन है। और यही कहना चाहता हूँ कि सॉरी
टू एवरी वन में वीडियो नहीं बना पाया था इस टॉपिक में कि लाइक दिया प्रधान के कुछ टॉपिक में जस्टिस फॉर दिया प्रधान शायद मैं रॉन्ग हो सकता हूँ नाम या टाइटल में, पर आप लोग प्लीज़ इसको करेक्ट कर दीजिएगा। एंड या गाइस नाम या फिर टाइटल में कुछ रॉन्ग हो सकता है इसीलिए करेक्ट कर दीजिएगा। और कुछ समय पहले बीएस भाई ने भी वीडियो डाला था कि हर क्रिएटर्स को ऐसा कुछ वीडियो डालना चाहिए, तो आज मैं ये बीएस भाई की वजह से नहीं पर सिर्फ हमारे वो बच्ची बहन कुछ भी कह सकते हैं उसके लिए डाल रहा हूँ। और यही है कि जस्टिस चाहिए। मेरे को पता नहीं है अभी तक कि केस अपहोल्ड में है या केस बंद हो चुका है या केस चल रहा है अभी, कुछ नहीं पता। अगर ये अपहोल्ड में है अभी चल रहा है तो मैं यही कहना चाहता हूँ प्लीज़ गाइस इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। और यही कहना चाहता हूँ मैं कि वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए और सभी को यही सोसाइटी को यही इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, लड़की लोग किसी पे ट्रस्ट करके, अगर आप किसी बंदे पे ट्रस्ट कर रहे हो और वो बंदा आपको किसी प्राइवेट जगह पे बुलाता है जहाँ पे आपका कोई लोकेशन आउट ऑफ लोकेशन हो और आपको कुछ पता नहीं है आसपास की क्या चल रहा है क्या हो रहा है, वहाँ पे मत जाइएगा, सेफ रहिए। लाइक हम लोग, मैं ऐसा भी नहीं कहना चाहता कि कुछ लड़कियाँ ऐसी होती है या फिर कुछ माँ बाप ऐसे होते हैं, मैं किसी को दोष नहीं देना चाहता हूँ, पर इसी समय अगर हम नहीं उठेंगे ना तो जो वो अभी जा चुकी है ना वो कभी भी शांति में नहीं रह पाएगी, यही कहना चाहता हूँ मैं। और यही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर ये वीडियो ना आज आपके लाइक ये व्हाट्सएप स्टेटस इंस्टाग्राम स्टोरी या फिर प्राइवेटली आप कैसे भी शेयर करते हो, अगर शेयर करोगे ना, अगर एक भी लाइक लड़की बहन कुछ भी कहो उनका लाइफ बच जाए ना तो दिल से खुश लगता है। और यही कहना चाहता हूँ मैं, इतना ही कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जिसने भी ऐसा कि घिनौना काम किया है ना, बुरा तो लगता है पर इस टाइम में रिग्रेट करके हम कुछ कर भी तो नहीं सकते, पर इसी आवाज़ को उठा भी सकते हैं। और मैं यही बोलना चाहता हूँ कि हमारे गांव से GYC ग्रुप, हमारे घाईबरी यूथ क्लब ने भी एक लाइक टू व्हीलर रैली निकालने का कुछ सोचा है, वो भी मेरे को बहुत अच्छा लगा और मैं ये वीडियो आप लोग देख लीजिए, एक बार वीडियो देख लीजिए। नमस्ते, हमी घाईबरी यूथ क्लब सिलगढ़ी माटीगढ़ा स्थित नाबालिका हत्याकांड भएको निर्मम घटना सर्वविदितै छ। उक्त घटनामा नाबालिग परिवार धेरै नै शोकाकुल भएका छन्। उक्त शोकित परिवारलाई संवेदना प्रकट गर्न GYC परिवारले आउँदो शुक्रबार 1 सेप्टेम्बरको दिन बाइक र्याली गरेर घरावारी स्कुल ग्राउन्डदेखि माटीगढा स्थित उनका घरसम्म जाने निधो गरेको छौँ। यसर्थ उक्त दिनमा हजुरहरू कोही पनि यस बाइक र्यालीमा इच्छुक भएर हामीसँग साथ दिनुहुन्छ भने तल दिएको नम्बरमा चाँडोभन्दा चाँडो सम्पर्क गरिदिनु होला, धन्यवाद। तो भिडियो देख लिया न गाइस, पता चल गया होगा। और थैंक यू सो मच GYC क्लब को भी, आप लोगों ने इतना अच्छा काम किया, एक हिम्मत दिलाए उनके माँ बाप को, एक लाइक सहायता हुआ, एक सपोर्ट हुआ, एक मन में एक शांति हुआ कि हमारे लिए भी कुछ कोई तो है। अगर आज इस वीडियो का आप शेयर नहीं करते हो ना तो कल अगर आपके साथ भी ये हो सकता है, तब अगर आपके साथ कोई ना खड़ा हो ना पीछे में, तब आपको रियलाइज होगा कि मैंने बहुत गलत काम किया था। तो गाइस प्लीज़ इस वीडियो को व्यूज़ के लिए नहीं या कुछ वायरल होने के लिए नहीं है, पर ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने नेबर्स, अपने फ्रेंड्स, अपने फूफा फूफू जो भी हो सबसे शेयर कीजिएगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। और मैं यही चाहता हूँ कि BSY की तरह मैं एक अच्छा नॉलेज देना चाहता हूँ। और थैंक यू सो मच BSY, BS व्लॉग्स विशाल दा फॉर लाइक इंस्पायरिंग मी, अच्छा लगा वो वीडियो देख के। और ये वीडियो आज मैं रक्षाबंधन के दिन डाल रहा हूँ, रक्षाबंधन के साथ व्लॉग में डाल रहा हूँ,
एंड थैंक यू सो मच टू ईच एंड एवरी वन फॉर लव एंड सपोर्ट. आपसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट है, आप वीडियो देखो या ना देखो, पर रक्षाबंधन का आगे का ब्लॉग देखो या ना देखो, ये पीछे का पार्ट देख के ना प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर से शेयर कर दीजिएगा. और मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, आप लोग इन चीज़ों से ज़रूर से दूर रहिए, क्योंकि माँ बाप को बहुत बुरा लगता है यार. आप तो बोल रहे होंगे कि वो अगर आज मेरे को ये करना है, आप लोग एक बार सोचिए मेरे मॉम डैड क्या सोच रहे होंगे. करियर बनाओगे ना तो माँ बाप भी खुश रहेंगे, बिना करियर बनाए कुछ उठपटांग हरकतें करोगे ना तो नहीं चल पाएगा ऐसे तो. और मैं ऐसा भी नहीं कहना चाहता कि वो लड़की ने ऐसा किया था, उसे किया कुछ नहीं, पर अभी उन लाइक दिया प्रधान को, उनकी लाइक माँ बाप को तो ये सपोर्ट चाहिए, मोटिवेशन चाहिए. तो इस मोटिवेशन सपोर्ट के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, एंड या ज़रूर से शेयर कर दीजिएगा. और या गाइस वीडियो को इतना ही रखते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए. और या इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. Don't forget to press the bell icon and stay tuned with Lyrico Steve and peace out. #eattheBeat. Thank you.